हाय एवरीवन, आज हम लोग विभिन्न ऑप्टिक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर कौन सा होगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मेल्डिस एक्सपेरिमेंट। देखिए ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग क्या करना, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, है ना, कब किया गया था और किस लिए किया गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नॉर्मल मूड्स एंड डिराइव विथ फॉर स्ट्रेट स्ट्रिंग। यानी कि आप लोग पहले नॉर्मल मूड्स क्या है वो समझना और फिर उसके बाद क्या करना, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए नॉर्मल मूड्स का डिराइवेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफर फॉर ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। फिर से यही है, स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, एनर्जी निकालना है ना, और एनर्जी ट्रांसफर निकालना है, दोनों अलग अलग चीज है ना। स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए एनर्जी अलग से एक डिराइवेशन होगा और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक अलग से क्या होगा, डिराइवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, है ना। स्टैंडिंग वेव्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी वेव्स भी कह सकते हैं, तो आप लोग घबराना मत, है ना। तो अगर स्टैंडिंग वेव्स के जगह पर स्टेशनरी वेव्स दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्सो डिफाइन फिक्स्ड एंड फ्री एंड्स। इस स्टैंडिंग वेव्स में फिक्स्ड और फ्री एंड्स क्या है वो आप लोग साथ में डिफाइन कर लेना। नेक्स्ट है, डिराइव फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज फॉर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, है ना। एक स्टैंडिंग वेव के लिए ऑब्वियसली वेव है तो उसका वेलोसिटी होगा, तो फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी क्या है आप लोग उसका डिराइवेशन कंप्लीटली कर लेना। और नेक्स्ट है, व्हाट आर ओपन एंड क्लोज पाइप्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन ऑफ एन हार्मोनिक वेव्स। इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा डिराइवेशन करने के बाद वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग ये करके जाते हो तो आप लोगों को शायद अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।